बहुत अच्छा लग रहा था, वेलकमिंग है और पूरा सामने एयरप्लेन टू बढ़िया लग रहा है ना। ओके गाइस, गुड इवनिंग एंड नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मजे कर रहे होंगे और आपने हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियो सारी देखी होंगी। नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाके देख सकते हैं। और आज हम आए एक छोटे से ट्रिप पे दिल्ली से मोटल, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है हवाई अड्डा रेस्टोरेंट काइंड ऑफ ढाबा। सो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये दो एयरप्लेन्स है एक्चुअल, और इनके अंदर रेस्टोरेंट बना रखे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सकर्जन में यहाँ पे करने के लिए हैं। यही रीज़न है हम जब भी दिल्ली से हिमाचल या पंजाब जाते थे तो हम कभी यहाँ रुके नहीं, क्योंकि इसके लिए हमने सोचा था कभी टाइम निकाल कर आएंगे क्योंकि नियर बाई है। तो दिल्ली से मूर्तल अगर आप आओ तो ये 45 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है, और कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे आने के लिए, आप ISBT बस से भी आ सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं, और हमारे साथ आज हमारे कोई पुराने गेस्ट भी हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर इवनिंग, सो लेट्स गो। जिसमें भी अच्छी लोकेशन लगेगी यार बैठ जाएंगे, बाकी खाना खाते और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत शोर है यहाँ पे, गाना बहुत तेज बज रहा है। टिकट्स का यहाँ पे ऐसा ही हिसाब है, आपको ना बोर्डिंग पास मिलेगा, बोर्डिंग पास 100 पर पर्सन है, तो 400 रुपये हमारे इसके अंदर लगे हैं। अब ये जो पैसे है ना, आपके जो बिल आएगा उसमें टोटल लेस हो जाएंगे, यानी कि 400 से ऊपर का आप खाओगे तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट है जो लेस हो जाएगा। सो अब देखते हैं यहाँ पे खाने, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, मतलब जैसे कि और भी हम विजिट करते हैं हाईवे पे, मन्नत हवेली है, XYZ है, तो एवरीथिंग इज़ देयर। लेट्स सी कि इनका क्या यहाँ पे डिफरेंट है। फोटोज़ वगैरह तो मैंने काफ़ी देखी थी, तो जो हम मंगाएंगे आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी मैं लाया तो हूँ अपने साथ एक पहलवान, जलवा है हमारा। गाइस तो हम आए 6 मई को यहाँ पे, उसके हिसाब से ये इसका वीडियो पॉज करके आप देखें ना, ये सब इसकी मेन्यू है और ये इनका प्राइस है। यहाँ पे काफ़ी पहले है, तो आप चेक कर सकते हो, सारे ऑप्शन है, देख लेना यार। यहाँ पर आकर हम अपने काउंटर पे आके जैसे हमारी मॉकटेल बनती है ना, कैसे बनती है वो हम आकर देख सकते हैं। तो मैं अभी खड़ी हूँ काउंटर पे मॉकटेल के, और ये भैया बना रहे हैं हमारे मॉकटेल। आइस टी हमारी बन चुकी है दोनों की, अभी इसका बनेगा मोहितो रहता है। तो कौन सा बीरा भाई? बड़ा महंगे आइटम, महंगे बैठे महंगी बातचीत चल रही है यहाँ पे। लाइव बनता है ऊपर, ड्रिंक का भैया यहीं पर है ना, खाना बाहर से आता है ना, किचन नीचे। ओके, ये देख यार पूरा प्लेन है, ये हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक्सपीरियंस है बिल्कुल ना, मतलब बिजनेस क्लास में भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम बैठे नहीं हैं बिजनेस क्लास में अभी तक, बट यहाँ पे सिटिंग का अलग ही है। ये स्टेशनरी प्लेन है, उड़ेगा नहीं, बट यहाँ पर आप खा सकते हो, घूम सकते हो, तो टर्बुलेंस का भी कोई इशू नहीं है। ड्रिंक्स हमारी रेडी है, ये हमारे मैनेजर है सर, इन्होंने बड़ी बड़ी हेल्प कर ली है। थैंक यू यार, बहुत सुंदर है इसका लेआउट ना, एकदम मस्त लगता है मुझे। ये मेरी आइस टी है, और ये क्या है, मोजीतो, मोजीतो, मोजीतो। थैंक यू, थैंक यू। बिगर एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त है इसका, पीछे मॉकटेल्स हैं, अपने सामने ही खड़े होकर बनवाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, वेलकमिंग है। और अगर आप शूट वगैरह भी कर रहे हो, फोटोज़ खींच रहे हो ना, तो इनका स्टाफ जो है काफ़ी हेल्पफुल भी है साथ में। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं स्नैक्स से, हमने अभी प्लेटर भी ऑर्डर किया है, अभी तक हमारे मोमोज आ चुके हैं, हमारी ड्रिंक्स आ चुकी है, एम्बियंस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी टेस्ट करके देखते हैं, और गुरु जी से पूछते हैं कि खाना कैसा है, ये बताएगा ये कैसा खाना, देखते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, प्लेटर भी आ गया, तो कुछ ही रखते हैं।
अच्छा यार यहाँ पे खास बात क्या है, अगर आप कुछ लिखवाना चाहते हो ना तो अपने प्लेटर वगैरह पे या कोई भी डिश पे तो लिख कर देते हैं। तो मैंने अपने चैनल का नाम बोला इनको, तो इन्होंने लिख के दिया आपको दिखाता सर। मैंने ऐसे चैनल का नाम यहाँ पे लिख के दिया प्लेटर के साथ। बहुत सुंदर से डेकोरेट भी कर रखा है साइड में ना, मतलब प्रेजेंटेशन इज गुड। कैसा लगा ज्योति ये वाला एक्सपीरियंस? तो मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम था। अच्छा बाकी इसको ट्राई करके बताएंगे कैसा लगता है। हाँ बाकी नाम वाली चीज़ तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद थोड़ा इटालियन हो जाए, अब हम खाते हैं पिज्ज़ा। चाइनीज़ तो इनका काफ़ी अच्छा था टेस्ट में, अब इसको खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और अंकित ये बता कैसा लगा भाई अभी तक जो खाया तूने प्लेटर में? ठीक था, मतलब मुझे तो ओवरऑल बढ़िया लगा। इसने पास कर दिया तो खाना अच्छा है ना, है ना? ये देखो आपने ना नमक तो रखा ही है, सॉल्ट पेपर ठीक है, बट ये जीरा मसाला, फिर उसके बाद ना चाट मसाला भी रखा हुआ है भाई। एक कढ़ाई भी दे दे, तड़का लग जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। पिज्जा ना हमने बनाया फ्रेश फार्म पिज्जा, पिज्जा भी ठीक है, अच्छा है, नॉट दैट गुड, बट जैसे डोमिनोज वगैरह के तो यार चलो अलग लेगेसी है, बट यहाँ हाईवे के हिसाब से हम ना नॉर्थ इंडियन वगैरह ही खाते हैं जब भी बाहर जाते हैं, बट उसके हिसाब से बीट चाइनीज बीट दिस डालियन अच्छा है यार। जैसे क्रस्ट थिन भी है और चीज़ भी काफ़ी अच्छे से डाला हुआ है इसके अंदर, काफ़ी ठीक है खाते हैं इसको भाई। कहते हैं तो यहाँ घूम रहे हैं, फेंट रहे हैं भगवान भरोसे है भाई। डिनर का सम अप नॉर्थ इंडियन के बिना तो हो ही नहीं सकता, तो अब हमने ऑर्डर किया है नॉर्थ इंडियन में चाप और साथ में लच्छा पराठा। तो टेस्ट करते हैं नॉर्थ इंडियन कैसे बनाते हैं ये लोग। पिज्ज़ा कैसा लगा वैसे अंकित तेरे को? पिज्ज़ा सोसो था, क्रस्ट उसका बड़ा सॉफ्ट था, ना मीडियम था ना वो थिन था। अच्छा लग रहा है देखने में तो। तू पूरा खाएगी? नहीं इसका नोज एरिया है पूरा सामने एयरप्लेन टू। यहाँ पे ना काफी सारी गेम्स है नीचे खेलने के लिए, पीछे बनी हुई थी जैसे स्टार्टिंग में भी दिखाया था आपको, सो काफी अच्छा टाइम पास हो जाता है यहाँ पे। यहाँ की मेन अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली प्लेन्स ही है, बट उसके बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, तो कुछ हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं व्हाट वी कैन डू। 150 रुपये की 3 मिनट है, बाकी करके देखते हैं कैसा है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मस्त अच्छे है, कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पसीने छूट गए तो ये ट्रिप था हमारा छोटा सा एक शॉर्ट डिनर ट्रिप हवाई अड्डा मूर्थल पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आ गया यार। ऐसे कभी स्पेशली ना कहीं पे गए नहीं है, तो थोड़ा सा फूड वूड एंड ऑल काइंड ऑफ अ व्लॉग है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारे 2300 रुपये लगे हैं, 2300, 400 रुपये हमारे बोर्डिंग पास के मिले थे वो उसमें लेस हो गए थे, तो 1900 हमने और पे कराया, तो 2300 अगर आप चार बंदों के हिसाब से देख लो। जैसे हमने चाइनीज़ से स्टार्ट करा, फिर हमने इटालियन पिज्ज़ा भी खाया था, उसके बाद हमने अपना नॉर्थ इंडियन पे ख़त्म करा है,
तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे, जैसे कि स्विंग्स है, काफ़ी सारे झूले हैं और डार्ट गेम वगैरह लगा रखी है, टेडी गेम्स है, स्पिन द व्हील है। हमने जो करी थी वो VR करी थी, बड़ी अच्छी थी, ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। 3 मिनट की है, 150 रुपये लेते हैं और सेकेंड वाली ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। सो सारी चीज़ों को समराइज़ करते हुए अब करते हैं इस छोटे से इवेंट की एंड और यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। सो मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नए सफर पे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। तो सी यू सून विद अनदर वन।